अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नाहन में देर रात एक अलग तस्वीर देखने को मिली। यहां रात 10 बजे के बाद महिला पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक ड्यूटी के साथ साथ कानून व्यवस्था का भी जिम्मा संभाला। रात भर महिला पुलिस कर्मी सड़कों पर ड्यूटी देती नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने जहां ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी संभाला। मीडिया से बात करते हुए महिला पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से नाइट ड्यूटी करने का आग्रह विभाग के अधिकारियों से किया था। महिलाओं ने इस बात की खुशी जताई कि वे बखूबी किसी भी स्थिति में अपनी ड्यूटी देकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। उन्होंने बताया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। महिला पुलिस कर्मियों ने बताया कि रात में वह ड्यूटी के दौरान आने जाने वाले हर वाहन की चेकिंग कर रही हैं, साथ ही उनको यातायात नियमों को अपनाने की भी अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर रात को वाहन चालक नियमों की अवहेलना करते देखे जाते हैं, ऐसे में उनसे अपील की जा रही कि वह हमेशा नियमों का पालन कर सड़क सुरक्षा में अपना सहयोग करें। मैं तो जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हम सारी महिलाएं बड़ी उत्साहित है। हमने खुद ही वैलेंटरली कहा है कि हम खुद ड्यूटी देंगे और सभी महिलाओं ने ये अपनी सहमति से यहाँ ड्यूटी दी है, ड्यूटी के लिए आई है और लड़कियां अपनी अच्छी ड्यूटी दे रही है। यहाँ पे हर गाड़ियाँ चेक कर रही है और मेरी तो ये जो जिसकी जो जो गाड़ी हम चेक करें, जो तो लोकल गाड़ियाँ हैं उनको हम चेक करें तो उनको हिदायत दे रहे हैं कि विदाउट मास्क ना चले, विदाउट हेलमेट ना चले, टू व्हीलर वालों को विदाउट हेल्प ना चले, हेलमेट लगाएं और जो गाड़ी वाले हैं उनको सीट बेल्ट लगाएं, जो लोकल गाड़ी वालों को यही हम उनको हिदायत दे रहे हैं मास्क लगा के रखें। और जो बाहर से गाड़ियां जो आ रही है हमारे पास वो गाड़ियां जरा उनकी हम प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं, जैसे कोई हरियाणा की गाड़ी है या पंजाब की गाड़ी है, यूपी की है, तो इनके इन गाड़ियों के हम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देख रहे हैं और उनको प्रॉपर हिदायत दे रहे हैं और देख रहे हैं कि भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। गाड़ी हमने नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई आए हैं बच्चे, कई तो भागे भी हैं यहाँ से जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया है। पायलेंस तो कैलकुलेशन तो करते ही करते हैं बच्चे, बट उन्होंने कई बच्चे समझ भी गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम सॉरी हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। सुरक्षा है उनकी, हेलमेट पहनना कोई पुलिस के लिए, कोई हमारे लिए नहीं पहनेंगे वो हेलमेट, खुद की सुरक्षा के लिए पहनेंगे हेलमेट। अगर वो हेलमेट पहन के जाएंगे और रैश ड्राइविंग में गिर भी जाएं बच्चे तो कम से कम हेलमेट लगाओ, तो उनके सिर का सबसे पहले तो सिर का बचाव हो जाएगा उन बच्चों का या कोई भी जो विदाउट हेलमेट जाते हैं। हम उन्हीं से यही अपील करते हैं कि आप हेलमेट पहन के जाएँ। तो अभी तक जितने भी आए हैं तकरीबन सभी ने हेलमेट पहना था, मास्क नहीं लगाया था तो मास्क के लिए हमने उन्हें कहा है कि आप मास्क पहन के रखो। ड्यूटी में और कैसा आपको लग रहा है? वैसे तो हम रोज़ ही ट्रैफिक ड्यूटी देते हैं, अदर ड्यूटीज देते हैं, पर आज हमें नाइट ड्यूटी देके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने फैसला लिया है कि आज हम शाम को रात की नाइट ड्यूटी करेंगे और सारा ट्रैफिक जितना भी आ रहा है उसे चेक कर रहे हैं, जो भी कोई विदाउट हेलमेट है उनको सबको समझा रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलो, कि शराब पी के एक तो गाड़ी ना चलाएं, और टू व्हीलर वालों से कह रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलें और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे से ड्राइव करें। PRTV News ब्यूरो रिपोर्ट नाहन।